नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नई उम्मीद के वेब टीवी में और मैं हूं निर्भयकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक नई मुलाकात के साथ एक नई शख्सियत के साथ हमारी बात होती है और उनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य क्या होता है। इसी सिलसिले में हम नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के उपसभामुख उपमा कुमारी देव जी से मुलाकात करने जा रहे हैं और उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्रदेश सभा 2 में क्या स्थिति है और किस तरीके से वो चलाती है, क्योंकि एक महिला होने के नाते ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होता है। तो सबसे पहले उपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मैम, आपके कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कैसा अनुभव रहा इन 2 वर्षों में? देखिए, अभी नया प्रादेशिक संरचना बना है, उसमें हम लोग नए हैं, नए स्वरूप के अनुसार हम लोग का अनुभव बटोरना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सीखने के दरमियान में हम लोग का आगे बहुत सामना करते हुए भी हम लोग का अभी अच्छा जा रहा है प्रदेश नंबर 2 में जी। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते एक उपसभामुख का कार्यभार संभालना और उनको आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? बहुत बड़ी चुनौती मानती हूँ मैं, और इस चुनौती के रूप में हम लेना भी चाहती मैं कि ये चुनौतीपूर्ण काम हमारे पास आए और हम उसको डट कर सामना करें और आगे बढ़ें जी। और आगे बढ़ती के साथ महिला सबको भी आगे आने का प्रेरणा दे और कहें कि हम महिला कमज़ोर नहीं हैं जी, चुनौतीपूर्ण काम कर सकते हैं जी। देखा गया है कि जो नया संविधान लागू हुआ, उस संविधान के तहत महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व मिला, कहने का मतलब एक सहभागिता काफ़ी मिला पहले के अपेक्षा, और हर चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हर जगह उनकी भूमिका जो है एक सुनिश्चित कर दी गई है। इसके बावजूद देखते हैं कि कई जगहों से ऐसे न्यूज़ आते हैं, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि पद तो महिला के नाम पर हैं लेकिन उन कामों को उनके किसी अपने नज़दीकी द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, महिला सशक्तिकरण संभव है? बिल्कुल संभव है। आपको लग रहा है कि उनके नज़दीक के कोई आदमी उनका काम कर रहे हैं, तो ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये नया शुरुआती है, हम महिला घर से निकले पहले नहीं थे, बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, सीखने के दरमियान में हमारे सहयोगी हमको प्रेरणा दे करके आगे बढ़ा रहे हैं जी। संघीय सरकार प्रदेश नंबर 2 को लेकर बार बार कटौती सुनने में आता है, कटौती करती है, उनके अधिकारों को लेकर काफ़ी कुछ न्यूज़ में आते रहते हैं। क्या लगता है आपको, संघीय सरकार प्रदेश सरकार 2 को सहयोग कर रही है भरपूर? एकदम सहयोग कर रही है, अभी कर रही है संघीय सरकार, और करना भी चाहिए। संघीयता का पहला पहलू है, पहला अभी पड़ाव है जी। तो संघीय सरकार को हम लोग साथ लेकर के उनसे हम लोग कह करके अपना बात रख करके सहयोग ले सकते हैं, तो वो हमारा भी काम है। इन 2 वर्षों में देखा जाए मैम, तो कौन कौन से विधेयक जारी हुए जो काफ़ी पॉपुलर रहा है या किस तरह के गतिविधियां हुई प्रदेश सभा संसद के अंतर्गत? प्रदेश नंबर 2 में 21 विधेयक पास हुआ है अभी जी, और उसमें प्रहरी एन पास हुआ है सर्वसम्मति पर जी, और सब भी सर्वसम्मति से हम लोग बैठ करके कुछ में त्रुटि होता है तो फिर हम लोग मिल करके बैठ कर समाधान कर करके पास करवाए हैं जी। इसमें हम लोग को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है जी। नामकरण को भी लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है कि अब नामकरण हो जाएगा प्रदेश संख्या 2 की, अब हो जाए, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हो पाए। किस स्थिति में है नामकरण की अवस्था अभी? नामकरण और राजधानी दोनों है, दोनों हमारे प्रदेश में प्रदेश सभा में आ चुका है जी। पहले प्रदेश सरकार के मातहत में था और उन प्रदेश सरकार अब हम जिम्मा दिए हुए हैं हमारा प्रदेश सभा को जी। तो प्रदेश सभा से अभी हम लोग का समिति बना है जी, समिति में हम लोग छलफल में रखे हुए हैं, अभी आगे बात नहीं आई है, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये हम लोग छलफल में रख करके सर्वसम्मति से नामांकन और राजधानी दोनों पास करवाएं जी। राजधानी के नाम पर लगभग लगता है कि जनकपुर नाम लगभग फाइनल ही है, ऐसा कुछ है या क्या, कुछ नया नाम भी हो सकता है इसमें? नया नाम हो सकता है मध्य प्रदेश जी।
नामकर में राजधानी हूँ जनकपुर। जनकपुरी फाइनल है लगभग। लगभग ऐसा है जी, आगे देखते हैं। और सबसे भी मन माइंडेड लेना होगा ना जी, जिससे आपको, आपको लगता है जो वर्तमान सरकार है समाजवादी पार्टी और राजपा की, इन दोनों को दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो जाएगा मध्य प्रदेश के नाम पर? आशा तो रखती हूँ जी, उम्मीद तो होना ही चाहिए कि कम से कम मध्य प्रदेश के नाम पर बहुमत मिल जाए इन दोनों सरकारों को, इन दोनों दलों को। जिस प्रकार प्रदेश नंबर दो में दो सालों में विकास की रफ्तार देखा गया, क्या लगता है उससे जनता खुश है? कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि जनता खुश नहीं है जी। वो कह रहे हैं कि हम लोग को शुरुआती अभी सीखने का ही दौर में चल रहे हैं, जो कैसे प्रदेश चलाना है। सबका पहला, जैसे प्रदेश सरकार भी पहला है जी, हम लोग भी सभा उपसभा में पहले हैं, मंत्री सब जी पहले हैं जी। इसीलिए थोड़ा दिक्कत तो होगा ही जी, किसी से भी होता है जी। उससे अभी हम लोग मिल करके जी जनता को भी, हमारे हम सरकार को भी मिलजुल करके जी आगे बढ़ाना, कि ना खुश होकर के नॉर्मलाइज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हम लोग मिलकर ही काम करें, आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे चमकाएं और इनका प्रदेश को अभी एकदम व्यापक रूप से इनका आगे और बृहत रूप से काम हो जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत देखा गया कि जगह जगह पर साइकिल का वितरण हो रहा है और कुछ इंटरवल पर ये देखने को मिल रहा है। इससे क्या लगता है मैडम, क्या बेटियों का विकास हो पाएगा, शिक्षा में कुछ उन्नति मिल पाएगा, कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? कोशिश प्रदेश सरकार को है कि शिक्षा में डेवलप हो, बेटी सब आगे बढ़े, पढ़े, आगे निकले, जो कि पहले नहीं था जी। अब इसी के प्रेरणा के तहत जो बेटियों में आप जान हो, उत्सुकता हो, जागरूकता हो जी, कि बेटी सब आगे पढ़ें जी। अभी थोड़ा सा छोटा सा शुरुआती है जी, और आगे हम लोग मध्य प्रदेश सरकार आगे करेंगे जी। महिला के सशक्तिकरण के लिए आपको लगता है कि ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाना चाहिए, खासकर महिला मैत्री संबंधी कार्यक्रम, जिससे कि प्रदेश दो में महिला अव्वल हो, आगे बढ़े और विकास की सपना को पूरा कर सके? हर एक ठाव में, हर एक उसमें हम लोग महिला का कार्यक्रम रखवाते हैं जी। कहीं कहीं में महिला आगे आती है और भाग भी लेती हैं जी, और उनको ऐसे लगता है कि आगे बढ़ सकती हैं जी। प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है मैम, और प्रदेश नंबर दो खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जी। ऐसे मामलों में क्या लगता है केवल दिवस मना लेने से हमारी महिलाओं का विकास, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का विकास हो पाएगा? ऐसा नहीं है जी, केवल दिवस मनाने से ही नहीं हुआ, दिवस मनाते हुए भी हम लोग घर से निकले और हर एक ठाम जा कर के महिला सबको प्रेरणा दे, बोले और आगे करवाएं, ये हमारा धारणा है जी। एक उपसभामुख हैं आप, इनके नाते आप किन किन जिम्मेवारी को संभाल ली, किन क्या क्या आपको काम सौंपा गया है? मेरा तो अभी मेरा ये समिति अलग है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ जी। उस 5 वर्ष योजना के तहत है, उसमें सारा कार्य देखना होता है, काम सब जी। जैसे कि जो जहाँ पर अनुमोदन करना पड़ेगा जी, क्या है कहीं है तो वहाँ पर जा कर के हम लोग बनाए हैं समिति, उसमें हम लोग का कम काम कर रहे हैं जी। और हमारा ऑफिस प्रदेश सभा में भी हम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। विश्व में पर्यावरण को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है, ऐसे में प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार दो क्या पर्यावरण को लेकर विशेष कर रही है, जैसे कि हमारा प्रदेश नंबर दो कुछ विशेष कर पाए, पर्यावरण में आगे रह सके? वो प्रदेश सरकार कर रही है जी, और प्रदेश सरकार करेंगे भी, और उनके बारे में योजना बन रहा है जी। पहला अभी है, इसीलिए जी थोड़ा बना रहे हैं और करेंगे भी जी। देखा गया निजगढ़ एयरपोर्ट का मामला आया, उसमें काफ़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की तैयारी चल रही थी, ऐसे न्यूज़ में आया, क्या स्थिति है उसकी? ऐसा कोई बात नहीं है, वन मंत्री जी गए हुए थे, हम लोग ऐसे गए नहीं हैं, लेकिन वन मंत्री गए हैं, निरीक्षण करके आए हैं जी। ऐसा कोई बात नहीं है, केवल वहाँ पर कुछ घर वगैरह है, उसको व्यवस्थित करने के बाद एयरपोर्ट चालू करने का अनुमति दिया जा सकता है जी। अभी दर्शन चल रहा है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? अभी दशहरा और दीपावली
छठ के उपलक्ष्य में हमारे दर्शक लोग, हमारे जिलावासी, प्रदेशवासी, देशवासी, विदेशवासी में हमारा उन सबों में दशहरा, दीपावली, छठ की शुभकामना है। दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य, सुस्वास्थ्य के लिए और प्रगति उन्नति के लिए इतना कहना चाहते हैं कि उनका सबको शुभकामनाएं, आगे बढ़ें जी। और मेरी तरफ से नमस्कार जी। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी। अभी आप देख रहे थे उपसभामुख उपमा कुमारी देव जी से। उनका स्पष्ट कहना कि प्रदेश सभा अपने विकास की रफ्तार की ओर आगे बढ़ रही है और जहां कहीं कुछ कमी है उसको दूर कर प्रदेश नंबर दो की विकास के रास्ते को और भी तीव्र गति से किया जा सकेगा और किया जाएगा, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। निर्भयकरण को अब अनुमति दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे और उससे जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।